नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिजिट में। आज हम बात करेंगे पोहा सॉफ्टवेयर के बारे में। पोहा सॉफ्टवेयर एक बहुत ही पॉपुलर और फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पोहा सॉफ्टवेयर को हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और आप बिना किसी टेक्निकल और प्रोग्रामिंग नॉलेज के भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट से एक फाइल डाउनलोड करनी होगी। उस फाइल का नाम है पोहा फॉर विंडोज। इस फाइल को कहां से डाउनलोड करना है, इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को डाउनलोड करके और आपके किसी भी रूट डायरेक्टरी में रख लेना है। ई ड्राइव में रख दिया मैंने इसको। फाइल का नाम है पोहा फॉर विंडोज। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, राइट क्लिक करके और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो चलिए इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देखिए, ये हमारा फोल्डर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है और हमें एक यूजर नाम का फोल्डर इसमें से मिला है। इस यूएसआर फोल्डर को आपको डायरेक्ट अपनी रूट डायरेक्टरी में रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। चाहे वो आपकी डी ड्राइव है या ई ड्राइव है, किसी भी ड्राइव के अंदर आप डायरेक्ट इसको रख सकते हैं। जैसे अगर इसको ओपन करेंगे तो इसका पाथ अगर आप देखेंगे तो ई के अंदर डायरेक्ट यूएसआर है। तो इस यूएसआर फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इसमें दो तीन फाइल्स को रन करना है। सबसे पहले हम रन करेंगे स्टार्ट MySQL सर्वर। MySQL सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, और ये विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट आपको सर्वर स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको इस फाइल पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन होगी और इस विंडो को आपको मिनिमाइज करना है। ध्यान रखिए, मिनिमाइज करना है, इस विंडो को क्लोज नहीं करना है। और थर्ड नंबर पे आपको जेब्रा सर्वर रन करना है, इसके लिए आपको इस पे डबल क्लिक करना होगा। और इस पे डबल क्लिक करने के बाद में भी आपको ये एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो को भी आपको मिनिमाइज करके रखना है। ध्यान रखिएगा, क्लोज नहीं करना है, इन दोनों विंडोज को आप मिनिमाइज करके रखना है जब तक आप पोहा यूज कर रहे हैं। हमारे दोनों सर्वर स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमें ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आने के बाद में आपको टाइप करना है लोकल होस्ट कोलन 8080 और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी और आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूजर आईडी है एडमिन और पासवर्ड भी है एडमिन। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कोहा का डैशबोर्ड आ जाएगा। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली तीन फाइलें रन करनी है और आपकी मशीन पे कोहा इंस्टॉल हो जाए। देखिए कितना आसान है, ये देखिए कोहा
कोहा का वर्जन 3.16 इंस्टॉल हो गया है और यहाँ से आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मेंबर डिटेल देखनी है तो उसकी आईडी डालेंगे तो ये देखिए यहाँ से फुल डिटेल आपको मिल जाती है। तो ये बिल्कुल लोकल होस्ट पे चल रहा है और विंडो मशीन पे चल रहा है। अब हम कोहा का ओपैक चेक करेंगे। ओपैक के लिए आपको लोकल होस्ट क्लिक के एंटर मारना है। जैसे ही आप लोकल होस्ट क्लिक के एंटर करेंगे तो कोहा का ओपैक आपके सामने होगा। ये देखिए तो यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके कैटलॉग में वो बुक अवेलेबल होगी तो ये शो करेगा। अभी तो इसमें क्या कुछ भी नहीं है इसलिए नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। तो देखिए कितना आसान है कोहा इंस्टॉल करना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके साथ साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये इस कोहा को आप लर्निंग पर्पज से और मतलब अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल कोहा यूज करना है तो उसको आप अपने किसी टेक्निकल पर्सन की हेल्प से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इंस्टॉल करवा के यूज कीजिए, क्योंकि वो स्टेबल भी है और सिक्योर भी है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कोहा सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड कैसे करना है। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में जाना है और टाइप करना है technicaldigit.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको जाना है कोहा में। जैसे आप कोहा पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा और इसमें आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड कोहा फॉर विंडोज। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कोहा फॉर विंडोज जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही ये फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद में इसको आप अपने कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में रख के और इंस्टॉल कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे इजीली कोहा इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।